हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, उसमें हमने पढ़ लिया है अल्टरनेटिव सीवेज डिस्पोजल भी पढ़ लिया था, सेफ्टी प्रैक्टिसेस भी और सैनिटेशन एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस भी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। कॉमन सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, मतलब कॉमन सैनिटेशन प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे ये क्रिएट होती है। मेनली क्या होता है, जब हम गार्बेज को रोड साइड्स पर फेंक देते हैं या फिर यूरिनेशन ओपन में, इस वजह से होता है। और क्या होता है, डिफेक्टिंग इन ओपन फील्ड, यानी जो एक्सक्रीटा है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं ओपन फील्ड में और अलोंग द रोड्स। ये जो सारी प्रैक्टिसेस है जो ऊपर दे रखी है, ये एयर को भी पोल्यूट करती है, वाटर को भी, और वाटर बोर्न डिजीजेज भी क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है इस वजह से। सैनिटेशन प्रॉब्लम विलेजेस और स्लम एरियाज में, जैसे अगर मान लो ड्रेन्स ओपन है और गार्बेज वगैरह ओपन रह जाते हैं हिप्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हिप, हिप मतलब कूड़े का जो ढेर बनाते हैं इस फॉर्म में हो जाता है। और क्या होता है, हाउस फ्लाइज ब्रीड देयर, मतलब ये होता है कि इन कूड़े के जो ढेर होते हैं इन पर जो हाउस फ्लाइज होती है वो ब्रीड कर जाती है। और जो पीपल गो फॉर डिफेक्शन इन ओपन, जैसे लोग ओपन में जाते हैं। और क्या होता है, पीपल जो पॉन्ड वाटर यूज़ करते हैं वॉशिंग और बाथिंग के लिए, इस वजह से भी क्या है, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स फैलती है। यहाँ पर ड्रेन्स पोर वाटर इन पॉन्ड्स, जैसे ये जो ड्रेन्स होते हैं, मतलब ये होता है कि जो पॉन्ड और सोक पिट्स विच बिकम ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज, मतलब इन एरियाज में पानी जो है वो निकलता रहता है, इससे क्या होता है मॉस्किटोज या फिर हाउस फ्लाइज ज़्यादा फैलती है। बायोगैस प्लांट क्या है, एक इफेक्टिव मेजर है फॉर द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा इन विलेजेस। बायोगैस प्लांट एक इफेक्टिव मेजर है विलेजेस में एक्सक्रीटा को डिस्पोज करने का। एक्सक्रीटा जो पब्लिक टॉयलेट से होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है बायोगैस प्लांट में, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर में। बायोगैस को हम कहाँ यूज़ करते हैं, कुकिंग गैस की तरह भी यूज़ करते हैं फॉर रनिंग वाटर पंप्स फॉर इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए वाटर पंप को रन कर देते हैं। देखो इसमें बायोगैस प्लांट जो होता है वो ये होता है, इसमें देखना ध्यान से, स्लरी और कैटल डंग एंड वाटर, मतलब वाटर और जो भी होता है ना कैटल का डंग होता है, वाटर के साथ मिक्स करके इसमें डाला जाता है, ठीक है यहाँ पर। और ये क्या लगा रखा, स्लैब कवर है और ये डोम है, ये यहाँ पे आउटलेट ऑफ द बायोगैस है, मतलब बायोगैस यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है। और ये गैस वाल्व बनाए हुए हैं यहाँ पर, और ये है स्लब कवर, इसको यहाँ पे कवर कर सकते, इस साइड से ये ओपन है क्योंकि यहाँ से कैटल डंग और वाटर डाला जाता है, और इस साइड से इसको यहाँ पर ऑफ करके और इसको यहाँ ओपन किया जाता है, जो कि जिसको ओवरफ्लो टैंक बोलते हैं। इसमें क्या है, स्पेंट स्लरी है, और ये है ओ से इसको रिप्रेजेंट कर रखा, ये आउटलेट चैम्बर है, और ये है अंडरग्राउंड डाइजेस्टिव टैंक, मतलब इसको क्या है, इसको अंडरग्राउंड, ये ग्राउंड में नीचे नीचे होता है, ठीक है, जिसको डग किया जाता है काफ़ी मतलब गहराई तक। ये डंग और वाटर मिक्सचर है, दोनों को मिक्स किया हुआ, ये इनलेट चैम्बर है। इनलेट चैम्बर मतलब कि यहाँ से, तो इनलेट यहाँ से डाला जाता है और गैस जहाँ से निकलती है वो वहाँ पे आउटलेट चैम्बर है। ये बायोगैस का पूरा प्रोसेस है। और कई विलेजेस में तो ये होता है कि इसको क्या है, किचन से कनेक्ट किया जाता है, इस गैस को खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप समझ में आया होगा पूरा। कल हम इसके एक्सरसाइज करेंगे।